लुधियाना में कांग्रेस सेवा दल लुधियाना शहरी की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे। इस मौके पर सांसद बिट्टू ने विक्रम सिंह मजीठिया पर जूता फेंकने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह पिछले 10 साल में किए गए उनके कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने बेअदबी की घटनाओं के पीछे कई कारण होने व इसकी जाँच जारी होने की बात कही तथा SGPC को भी उपयुक्त कदम उठाने को कहा। एक करनी दा फल है, जो 10 साल उन्होंने बीजे वो बढ़ रहे हैं। तो गल दूजी ये आ, हजे भी उन्होंने कितने ना कितने जहन च ये गल मैं समझदा, क्योंकि राज करन दी आदत इन्नी पै गई उन्होंने, ये लगता भी हजे साडा ही राज आ, साडी ओ हुकूमत आ। पर ये आम सधारण बंदियां दी सरकार आ, पुलिस उन्हां दी आम लोगों की जिहड़ियां तकलीफां सी 10 साल च वो सुन गई सी, वो हल करन गई सी। पर उस स्थान पर आके भी कब्जा कर लिया, उस स्थान पर भी आके हुलड़बाजी की, जिहड़ा काम सी प्रशासन का वह सिरे नहीं चढ़ सकिया। पर बहुत तजर्बेकार ने, मैं मानता साढ़े वड्डे भरा मजीठिया साहब वो जरूर समझणगे भी आने वाले दिनों च वोटां जिहड़ियां 5 साल बाद ने हुण, ते 5 साल मैं समझदा वो जरूर आराम करन। मैं समझदा ये सरकारां दा भी काम नहीं है, सरकारां दा काम, पर ये धर्म दे नाल संबंधित आ। आपां नूं आप इस गल ते बहुत ही अवेयर रहना पवेगा, केयरफुल रहना पवेगा भी ये है जी घटना क्यों हो रही, कि साड़ी कोई कमी है उहदे कारण तां नहीं ये हो रही, कि साड़ी कोई लापरवाही तो नहीं गे साड़ी जिहदे कारण हो रही। तो मैं समझदा जरूर इहदे उत्ते CBI भी लगी हुई है, क्योंकि जिहड़ा मेन केस आ जिहड़ा बरगाड़ी का, तो वो CBI दे कोल इस वेले उस केस नूं देख रहे हैं, तो उहदा रिजल्ट आ जिहड़ा जरूर आने वाले दिनों। लुधियाना से जागृति लहर के लिए बलराज खन्ना की रिपोर्ट।